तो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिकॉज इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं गुजरात की सबसे बड़ी बाजार, सबसे फेमस बाजार जो लगती है गुजरात दरेड़ के अंदर, वो सबसे बड़ी बाजार है गाइस, जिसे बोलते हैं गुदड़ी की बाजार। गुदड़ी के बाजार में आपको कपड़ा भी मिलता है और खाने पीने की सारी सामान मिलती है, और भीड़ तो ज़्यादा गाइस हद से ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो चलते हैं बाजार की तरफ, देखते हैं कि कैसा फील होता है वहाँ पर जाने के बाद, कैसा लगता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए चलते हैं गाइस, अब निकलते हैं तीन फ्रेंडों के साथ में गुदड़ी की मार्केट की तरफ। तो गाइस अभी यहाँ पर गर्मी लग रही है बहुत, तो मैंने साइड के बटन तो खोल लिए हैं और थोड़ी हवा भी चल रही है यहाँ पर, तो फिलहाल मस्त फील हो रहा है यहाँ पर। यूपी में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो अब चलते हैं सबसे बड़ी मार्केट जो लगती है गुदड़ी की, उस मार्केट की तरफ। तो फाइनली हमारे भाई लोग भी चल रहे हैं हमारे साथ साथ, तो चलिए दिखाते हैं हम मार्केट का भी। उससे पहले भी बहुत ज़्यादा भीड़ जाती है, ऐसा लगता है जैसे मेला लगा हुआ है। चलिए चलते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस हमारी रूम से जो मार्केट है ना गुदड़ी की बाजार, पूरी 2 किलोमीटर है। तो यहाँ से हमें जाने में पूरी 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा गुदड़ी की बाजार पहुँचने में। तो फाइनली गाइस मेरे पीछे का नज़ारा तो कुछ इस तरह से है। तो अब गाइस मार्केट के लिए जाने के लिए मार्केट के अंदर आ गए, इधर गांव बस्ती है ना, इस बस्ती से होके चलते हैं मार्केट की तरफ। तो फाइनल गाइस अब हम आ गए यहाँ पर, एक चौराहा है, इस चौराहे से होते हुए चलते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस ऐसे चौराहे तो दसियों आएंगे यहाँ से जाने के लिए। सो गाइस यहाँ पर साग सब्जियाँ तो हर कहीं मिलती हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। सो गाइस इस बस्ती के बीचों बीच में मार्केट भी है, दुकानें भी हैं, आप कोई भी सामान भी ले सकते हैं। अपना अगर फोन खराब हो गया तो फोन भी बनवा सकते हैं। सो गाइस राजकुमार भाई है ना, कोरोना का तो पूरा ध्यान रख रहे हैं गाइस, मास्क लगाकर ही निकलना चाहिए आपके लिए और घर से बाहर निकलना है तो। राजकुमार भाई आपको मास्क में कैसा फील हो रहा है, कोरोना से डर नहीं लगता आपके लिए? तो हे गाइस हम चलते हैं संजू भाई के साथ मार्केट और यहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे कैसा है मार्केट का। ये हमारे संजू भाई, संजू प्लस प्रो, और ये हमारा मनोज भाई। सो गाइस अभी तो हम आ चुके हैं यहाँ पर सब्जी की मार्केट की तरफ, ये सब्जी की बाजार लगती है, और हमें जाना है अभी कपड़ों की मार्केट जहाँ पर कपड़े के कपड़े बिकते हैं। तो यहाँ से वो मार्केट की दूरी 1.5 किलोमीटर है, तो अभी हमें टाइम लगेगा 20 मिनट। तो 20 मिनट के बाद पहुँचने वाले हैं उस मार्केट की तरफ। तो फाइनली अभी तो हम सब्जी की मार्केट की तरफ है। सो गाइस सेकेंड हैंड कपड़े यहाँ पर भी मिलते हैं, आप ले सकते हैं। सो गाइस यहाँ की फीलिंग है ना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। आज दिन है शुक्रवार का, और शुक्रवार के दिन यहाँ पर होती है जामनगर के अंदर छुट्टी, तो जिससे सारे लोग टाइम पास करने के लिए मार्केट की तरफ ही जाते हैं। तो पूरी मार्केट भी क्या गाइस पूरा मेला लगता है। चौराहे यहाँ पर है, अब इस चौराहे से होकर चलते हैं इस रोड की तरफ। ये तो रोड आपको दिखाई दिया है गाइस, बहुत दूर पड़ती है यार यहाँ पे, इसलिए जाना पसंद नहीं करते हम लोग। सो गाइस हमारे राजकुमार भाई का फीता खुल गया है, तो वो फीता बांध रहे हैं अभी यहाँ पर। सो गाइस यहाँ पर ये हमारे साथ में दिख रहे हैं ना, ये सब कारखाने हैं, कुछ बन रहे हैं और कुछ बन चुके हैं। तो फाइनली ये सब कारखाने गाइस, यहाँ पर सारे लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, मैं भी काम करने के लिए ही आता हूँ। सो फाइनली गाइस अगर मैं अपनी पगार के बारे में बात करूँ ना, तो महीने पर कमा लेता हूँ 3-4 लाख रुपये। अरे भाई लोगों ये फेक बता रहा है, ये हफ्ते बारे में कम से कम 4-5-6 हज़ार रुपये कमा लेता है और 800-900 रोज की पर डे पगार है। तो गाइस ऐसा ही होता है यार, यहाँ पर काम भी थोड़ा अच्छा लगता है ना काम करने के बाद। तो गाइस अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं गुजरात के लिए, काम की तो कोई कमी नहीं है, कुछ भी काम कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप जैसे आए उसको 1-2 दिन के लिए काम नहीं मिल सकता है, लेकिन ये तो रियल है कि काम मिलेगा आपके लिए जरूर। तो ये सब कारखाने हैं, सब बंदों के लिए ही पड़े हैं बंद। फाइनल गाइस हम मार्केट के शुरू होना स्टार्ट होगा, ये मार्केट की शुरुआत है। अभी मार्केट तो 200 से 300 मीटर अगले है। तो फाइनली बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, भीड़ तो बहुत ज़्यादा होती है। तो फाइनल गाइस अब मार्केट में तो आ गए, तो इस मार्केट में गाइस कंबल की बिक्री कुछ ज़्यादा होती है क्योंकि ठंड पड़ रही है ना, तो कंबल आदमी ज़्यादा से ज़्यादा लेता है। तो कंबल का प्राइस होता है 300, 400, 500, और डबल बेड का अगर कंबल लेते हैं ना तो 1100 से लेकर 1500 तक का मिल जाता है ठीक कंबल। सो गाइस अभी ये पूरा मार्केट ना है कपड़ों से ही बना हुआ है, पूरा मार्केट में ही बस कपड़े कपड़े मिलते हैं, तो बहुत ही बड़ा मार्केट है ये, बहुत ही बड़ा। गाइस आप देखिए बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद। सो गाइस हम थोड़ा जल्दी आ गए ना, अभी मार्केट ठीक से लग नहीं पाई है और हम आ गए हैं, तो अभी थोड़ी देर लोग करते हैं इंतजार, बस अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो गाइस हमारा कुछ लेने का प्लान नहीं था, लेकिन मार्केट के अंदर आने के बाद हमें लग रहा है कि हमको भी कुछ लेना चाहिए। तो ये राजकुमार भाई तो शर्ट लेने के लिए जा रहा है, तो अब तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज, तुझे वादे दिए कितने वादे दिए।
गाइस यहाँ पर कपड़ा जो है ना बहुत सस्ता मिल जाता है, काफी कम दामों में कपड़ा मिल जाता है यहाँ पर, अच्छा कपड़ा कम दामों में मिल जाता है। इस साइड ना लाइक रखी है और ये 150 रुपए में। घूमते घूमते भूख लग रही है ना, तो अब यार कुछ खा भी लेते हैं यार, भूख लग रही है। तो फाइनल भाई यार गोलगप्पे के पास आ गए हैं, थोड़े गोलगप्पे खा लेते हैं, 50 रुपए गोलगप्पे लेके चलते हैं। ये अच्छी साइड यहाँ के गोलगप्पे भी है ना बहुत अलग तरीका से खाने पड़ते हैं। अपने इधर गोलगप्पे जो मिलते हैं उनके बीच में मटर भरी जाती है, लेकिन यहाँ के गोलगप्पे जो है उसमें बीच में आलू का भरा जाता है। तो दिखाते हैं आपको गोलगप्पे, बहुत मस्त लगता है खाने में, बहुत बिंदास लगता है। मस्त गोलगप्पों का खाना पीना तो हो गया है, अब चलते हैं मार्केट के अंदर और घूम के चलते हैं बिल्कुल तरफ। भाई चलते चलते ये चॉकलेट ले ली हमने 450 रुपए की। इस मार्केट जाने का व्यू तो अब हुआ है टाइम, अब देखना है यहाँ पर किस कितनी जनता जा रही है मार्केट के लिए। अब इतनी मार्केट में जितना शाम होगा ना उतनी ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी मार्केट में। तो फाइनल गाइस मार्केट का व्यू तो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।